है रहस्य उद्घाटन होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर, ये तमाम अधिकारी और टीमों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, रत्न भंडार को खोलने को लेकर आपको याचिका दाखिल करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? देखिए, बहुत बार में प्रीवियसली जो सरकार थे उनको लेटर लिखा था कि रत्न भंडार खुला जाए, महाप्रभु का जो अन्नामेंट से उसको गिनती करके हर एक आदमी भी जानना चाहेंगे कि रत्न भंडार के अंदर क्या क्या महाप्रभु का ऑर्नामेंट्स है। तो वो सरकार उस टाइम खुले ही नहीं, उसका क्या दिक्कत था उस सरकार को, उनको ही पता होगा। कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी की कोई आशंका आपको महसूस होती है, ऐसी लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी, ऐसा कुछ तो नहीं? एब्सोल्युटली, आप तो जानते होंगे कि रत्न भंडार नहीं खुलने का इरादा क्या था उस सरकार का उस टाइम पर, जो गुमराह किए आदमी के लोगों को, ये चाबी खो गया, कैसे चाबी खो जाए? आपके पास वापस लौटेंगे हम और जाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस तरीके से खजाने को खोलने को लेकर जो प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं उसमें अभी जो शुभ मुहूर्त है वो भी नजदीक आने वाला है, लिहाजा उसको लेकर तैयारी कैसे चल रही है। हालांकि इस बीच जो बड़ी खबर दरअसल ये है कि 46 साल का इतिहास और 46 साल का जो इंतजार है वो यहाँ पे खत्म होने वाला है, कुछ देर के बाद भंडार खुलने वाला है। लेकिन भंडार कैसे खुलेगा इसको लेकर हमारे सहयोगी ने मंदिर प्रशासन से खास बातचीत की है, सुनिए। पुजारी जी, आज रत्न भंडार खुलने जा रहा है, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होनी चाहिए? देखिए, महाप्रभु जी के जो सेवक लोग हैं वो उनको तो उनके माध्यम से सब काम होगा और हम तो पंडित हैं, हम क्या बताएंगे, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के कृपा से ये तो खुल रहा है, अच्छी बात है। और इतना ही हम साधारण भक्त के हिसाब से हम कहेंगे कि जो भी भगवान जगन्नाथ जी की जो अलंकार है, हमने जैसे कि सुने हैं महाप्रभु जी के सेवक लोगों से कि रत्न अलंकार जय विजय द्वार से बाहर कभी नहीं जाता है, जब बाहर सुनावे से होता है तभी बाहर आता है, और वो मंदिर के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल समय जैसा चल रहा है बाहर आने से क्या होगा किसको मालूम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपके पास क्या जानकारी, अभी जब रत्न भंडार से रत्नों को निकाला जाएगा, आभूषणों को निकाला जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा, अभी कहीं काउंटिंग की उसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, हम साधारण भक्त हैं। इतना ही मालूम है कि रत्न भंडार खुलने के लोकनाथ महाप्रभु जी का पूजा हुआ है, सुबह सुबह लोकनाथ मंदिर में अभिषेक हुआ है और लोकनाथ महाप्रभु जी का आज्ञा माला आएगा, उसके बाद रत्न भंडार खुलने का ऐसी व्यवस्था है। मतलब जहाँ एक तरफ प्रशासनिक तैयारी चल रही है वहाँ धार्मिक तैयारी भी है। जी जी, धार्मिक तैयारी बहुत जरूरी है, ऐसे ही केवल प्रशासनिक तैयारी करने से, पिछले बार भी हुआ था प्रशासनिक तैयारी खुलने के लिए गए थे लेकिन वो खुल नहीं पाए थे, कुछ असुविधा हुआ था, ऐसे ही भगवान की कृपा, भगवान की आज्ञा परमावश्यक है, बिना भगवान की आज्ञा से खुलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि फिलहाल क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि दो भागों में रत्न भंडार बटा हुआ है। पहला भंडार भीतर भंडार, भीतरी भंडार है और इस्तेमाल में ना आने वाले जेवरात इसमें रखे जाते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि दोनों जो भंडार है उसके बारे में जानकारी, पहनाए जाने वाले जेवरात इसमें रखे जाते हैं, दूसरा भारी भंडार के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि भीतरी भंडार में जो है जो इस्तेमाल में नहीं आती चीजें, जेवरात नहीं आते उनको अंदर रखा जाता है। दूसरे भारी भंडार की बात बताएं अगर, तो पहनावे पहनाए जाने वाले उसमें जेवरात रखे जाते हैं, पहनाए जाने वाले जो जेवर है उनको रखा जाता है, और इसके अलावा ये भी आपको लगातार बता रहे हैं कि दो भंडार है फिलहाल, और देखिए लगातार ये निगरानी रखी जाती है इसको लेकर के, कैसे खुलता है रत्न भंडार ये भी लगातार आपको बता रहे हैं। खजाने की चाबी 6 साल से गुम है और चाबी गायब होने के कारण भंडार जो है वो फिलहाल खुला है, और इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको जानकारी भी दे भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रशासन की तरफ से अब तैयारी पूरी कर ली गई है और लगातार रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त ग्राउंड पर भी बनी हुई है। तो जिस तरीके से ये जो इंतजार रहा 46 साल का, हालांकि इसके कानूनी पहलू भी है, क्योंकि 2018 में कोर्ट ने पहले आदेश दिया था राज्य सरकार को खजाना खोलने को लेकर, लेकिन तब कहा गया कि दरअसल चाबी खो गई है। अब इसके बाद जिस तरीके से इस बार चुनाव में मुद्दा भी रहा, ये बीजेपी ने वादा भी किया, इसके बाद जिस तरीके से ये कहा गया कि दरअसल 46 साल पहले क्या मिला था बता देते हैं। दरअसल आपको 13 मई 1978 में उस वक्त ये खोला गया था, दो कमरों में रखे हर चीज की लिस्टिंग हुई थी, दोनों भंडारों में काफी संख्या में जो हीरे जवाहरात थे वो मिले थे, और बड़ी बात यहां पर ये कि इस बार भी कुछ ऐसी गुंजाइश है। 70 दिनों में खजाने की जो लिस्ट थी वो बनाई गई थी कि इनमें क्या-क्या मिलने वाला है।
13 मई 1978 से लेकर 23 जुलाई 1978 तक ये जो है खोला गया था। दो कमरों में रखे हर चीज की लिस्टिंग की गई थी। दोनों भंडारों में काफी संख्या में जो जेवरात थे वो यहां पर मिले थे। तो इस बार भी गुंजाइश कुछ ऐसी ही है कि यहां पे बहुत कुछ मिलने वाला है, लिहाजा पहले से ही संदूक तैयार कर लिए गए हैं। यानी कि जो मिलेगा अंदर उसको रखा कहा जाएगा, इसको स्टोर कहा किया जाएगा, इसको लेकर के यहाँ पे जो संदूक है वो पहुंच गए हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आ गई है, आपकी 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम। कुछ देर में खजाना खुलने वाला है जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आभूषण रखने के लिए यहाँ पर बॉक्स लाए गए हैं, इसके अलावा मशीनें भी लाई गई, क्योंकि माना दरअसल ये जा रहा है कि इस बार भी चाबी नहीं है, लिहाजा कटर जो है, जो ताले तोड़े जाएंगे, ताले काटे जाएंगे, उसके लिए यहाँ पे कटर की व्यवस्था भी कर ली गई। यानी कि किसी भी सूरत में आज खजाना खुलेगा और क्या मिलेगा, क्या निकलेगा, इस पर देश भर की नजर। दीपेश देखिए लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपेश के पास आपको फिर से लिए चलते हैं। दीपेश ग्राउंड पर है, दीपेश क्या तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे, क्योंकि संदूक लाए जा चुके हैं, 6 संदूक मेरे ख्याल में बताए जा रहे हैं कि लाए गए हैं और प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू भी होने वाली है। देखिए बिल्कुल 6 संदूक पहुंच चुके हैं, जो स्नैक का एक्सपर्ट हैं वो पहुंच चुके हैं, मेडिकल टीम पहुंच चुकी है, जो कोऑर्डिनेशन टीम के मेंबर्स हैं वे अंदर पहुंच चुके हैं, और अब धीरे धीरे वो वक्त जो है वो नज़दीक आ रहा है जिसका इंतज़ार न सिर्फ पूरीवासी बल्कि पूरे देशवासी कर रखे थे कि आखिर महाप्रभु के इस रत्न भंडार से कौन कौन से आभूषण और रत्न निकलने वाले हैं, वो रहस्य आखिर कब सामने आएगा। क्योंकि जो मंदिर अधिनियम 1955 है वो ये कहता है कि हर वर्ष रत्न भंडार को खोला जाए, का वैल्यूएशन किया जाए, उनकी लिस्टिंग की जाए, ताकि ये आकलन रहे कि मंदिर में महाप्रभु के पास कितने आभूषण हैं, कितने अब उनके पास सब जो बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर हो सकता है, कितने मुकुट हैं, कितने कुंडल हैं, कितने अब हाथों के कड़े हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब कहीं ना कहीं खुलने वाली है। तो इसको लेकर चर्चाएँ इस बार के इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई। संतोष जरा तस्वीरें दिखाते रहिए, ये वो बॉक्सेस हैं, अब एक एक कर ट्रक से उतर चुके हैं, और अब ट्रक से उतरने के बाद अब इन्हें एक एक कर मंदिर परिसर में अंदर ले जाया जाएगा। चूंकि अभी भगवान महाप्रभु का ये जो मंदिर है वो खाली इस लिहाज से है क्योंकि रथ यात्रा के जरिए भगवान जो है वो अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर में विराजमान हैं, और कल वे वहां से बाहुड़ा यात्रा के जरिए वापस अपने मुख्य मंदिर में पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आज ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, क्योंकि जो मंदिर का रत्न भंडार है यानी जो खजाना है वो भगवान महाप्रभु के गर्भगृह के अंदर ही मौजूद है, यानी जहाँ पर भगवान विराजमान रहते हैं, माँ सुभद्रा विराजमान रहती हैं, उनके भाई बलभद्र विराजमान रहते हैं, उसी गर्भगृह के अंदर जो रत्न भंडार है वो मौजूद है। दो हिस्सों में ये रत्न भंडार बना हुआ है, एक बाहरी हिस्सा जिसमें रखे हुए रत्न आभूषणों का इस्तेमाल जो है वो लगातार किया जाता है, लेकिन जो भीतरी हिस्सा है वो 1978 के बाद से लगातार बंद है। 1985 में एक बार फिर उसे खोला गया था, लेकिन सिर्फ ASI ने मरम्मत का काम करने के बाद उसे बंद कर दिया था। यानी समझा जा सकता है कि अब लगभग 45 से 46 वर्षों के बाद जब ये रत्न भंडार खुलने वाला है तो फिर उसका रहस्य उद्घाटन होता हुआ नजर आने वाला है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए खास रिपोर्ट।